हाँ ओके बेटा, देखिए फिर से देखते हैं हम लोग कि क्लास 8th है आपका है, षष्ठी चैप्टर 7 कॉलोनियल एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। आज हमको पढ़ना है कि कॉलोनियल एजुकेशन, कॉलोनियल ब्रिटिश शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा हमारे इंडिया पर, एजुकेशन पर। तो प्री कॉलोनियल एजुकेशन इंडिया, कॉलोनियल जो ये ब्रिटिश लोग आए उनके आने से पहले क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल उनके दौरान क्या एजुकेशन सिस्टम था, दूसरा ओरिएंटलिस्ट कौन थे, एंग्लिश कौन थे। ओरिएंटलिस्ट मतलब जो मॉडरेट, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते थे कि परंपरागत शिक्षा भी बनी रहे, और इंग्लिशिस्ट मतलब जो ब्रिटिश एजुकेशन को केवल बढ़ावा देना चाहते थे। और इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसीज, उनकी नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, और इंडियन रिफॉर्मर्स एंड एजुकेशन, हमारे समाज सुधारक और शिक्षा व्यवस्था क्या थी। हिस्ट्री मेकर में हम लोग पढ़ेंगे जर्मन इंग्लिश स्कॉलर, ये आपका यहाँ पे ये अलग अलग पॉइंट है, इसको पढ़ना है हमें। जर्मन इंग्लिश स्कॉलर फ्रेडरिक मैक्स मूलर, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, अच्छे अच्छे पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। फ्रेडरिक मैक्स मूलर, मैक्स मूलर का नाम ऐसे मतलब शॉर्ट में उसको हम कह सकते हैं, वाज अ ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ द वेस्टर्न एकेडमिक फील्ड ऑफ इंडियन स्टडीज। क्या है वो, एक ग्रेट मतलब एक्सपोनेंट का मतलब हो सकता है एक महान, हम उनको लीडर के रूप में एक महान नाम कह सकते हैं, जो वेस्टर्न एकेडमिक फील्ड, पश्चिमी शिक्षा के क्षेत्र में ऑफ इंडियन स्टडीज, नाउ नोन एज इंडोलॉजी, मतलब जो थे तो वेस्टर्न लेकिन इन्होंने इंडियन सिस्टम को, इंडियन भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया और उस सिस्टम को इंडोलॉजी दिया गया। दो हिज फेमस वर्क टाइटल्ड, इन्होंने जो अपनी स्टडी किया उसको एक अपनी बुक में किया, द सेक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट, इसको कहते हैं पवित्र बुक ऑफ द ईस्ट, क्योंकि हम लोग ईस्ट में हैं और यूरोप जो है वेस्ट में है, इसलिए उनको वेस्टर्न कहा जाता था। बी इंट्रोड्यूस इंडोलॉजी टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब इन्होंने इंडोलॉजी मतलब इंडिया के आइडियोलॉजी को, इंडियन सिस्टम को वेस्टर्न पार्ट में, यूरोप में और अदर में उसका प्रचार मतलब एक तरह से दिया वेस्टर्न एजुकेशन में। एट अ ग्लैंस एजुकेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, सबसे पहले 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बन के आया, प्रमोटेड वेस्टर्न लर्निंग, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न एजुकेशन को, वेस्टर्न शिक्षा को प्रमोट किया गया, बढ़ावा दिया गया। प्रमोटेड इंग्लिश एज मीडियम इन इंस्ट्रक्शन, जैसे आज इंग्लिश मीडियम मोस्टली, आज हम सब पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित होकर के इंग्लिश मीडियम आज सब हो गया, तो इन्होंने इंग्लिश मीडियम को प्रमोट किया सीखने में। लर्निंग इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग मतलब या मीडियम इंस्ट्रक्शन डिड नॉट प्रमोट ओरिएंटल, ओरिएंटल मतलब जो हमारे यहाँ की मातृभाषाएं थी उसको प्रमोट नहीं किया। इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग शिक्षा के या सीखने के संस्थानों में हिंदी मीडियम या अदर क्षेत्रीय भाषाओं को उतना बढ़ावा नहीं दिया। ओपन ओनली हाई स्कूल एंड कॉलेज, इन्होंने केवल हाई स्कूल और कॉलेज की स्थापना की, बेसिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल को नहीं बढ़ावा दिया। डिड नॉट ओपन एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री मतलब वही बेसिक स्कूल। अब अगला है वुड्स डिस्पैच 1854। वुड्स ये एजुकेशनिस्ट थे जिनको इनका कमीशन कर के रूप में भेजा गया कि आप जा करके एक तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखिए और अपने सुधार। इन्होंने जो किया इम्प्रूवमेंट, उसमें जो व्यवस्था दी कि नहीं ऐसे होना चाहिए, उसको वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। 1854 में इंट्रोड्यूस ग्रेडेड एजुकेशन सिस्टम,
फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी। इन्होंने नंबर एक क्या था इसमें कि ग्रेडेड एजुकेशन सिस्टम एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम के लिए इन्होंने प्राइमरी स्कूल से बेसिक स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की स्थापना का उसमें अपने डिस्पैच में अपने पत्र में एक तरह से लिखा या डिमांड किया। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, इन्होंने वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज को भी एम्फेसाइज किया उसके महत्व को। प्रपोज्ड ओपनिंग ऑफ वर्नाकुलर स्कूल इन विलेज, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल गांव में क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाए जाने वाले स्कूल व्यवस्था को इन्होंने कहा कि खोला जाए जो लोकल लैंग्वेज में हो। एंग्लो वर्नाकुलर मतलब अंग्रेजी और देसी मीडियम की हाई स्कूल और एफिलिएटेड कॉलेज सरकार से एडेड विद्यालय खोले जाए जिला लेवल पर। कंटिन्यूड वेस्टर्न लर्निंग विद इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पश्चिमी शिक्षा को इंग्लिश मीडियम के रूप में सीखने के लिए लगातार उसको उन्होंने जारी रखे। अदर कमीशन, बहुत से कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आयोग बनाए गए, कमीशन का मतलब होता आयोग। हंटर कमीशन ये 82 और 83 1882 और 83 में आया था। रिकमेंडेड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन वर्नाकुलर, इन्होंने भी प्राइमरी एजुकेशन को प्राथमिक शिक्षा को वर्नाकुलर लैंग्वेज में रिकमेंड किया। अगला है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, अंडरलाइन करते रहिएगा सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, हंटर कमीशन, वुड्स डिस्पैच, ये सब इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी कमीशन मतलब यूनिवर्सिटी आयोग, विश्वविद्यालय आयोग 1917 जो है रिकमेंडेड अ 12 ईयर स्कूल कोर्स। आज जो चल रहा है लगभग सब वही सिस्टम है, 12 ईयर्स स्कूल, जैसे 1 से 12 तक आपने पढ़ा तब उसके बाद आप ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटीज में आप दाखिला ले सकते कॉलेज में। स्कूल कोर्स बिफोर एंटरिंग द यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेज, और इसीलिए मतलब यूनिवर्सिटीज में दाखिल होने से पहले आप 12 साल की शिक्षा पूरी करिए इंटरमीडिएट, तो बेसिक और हाई स्कूल इसका, और इसके बाद इंटरमीडिएट स्कूल मतलब बारहवीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक। अगला है हैरटॉक कमेटी, 1929 में मेड रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए डेट लाइन दी गई है, इनको आप नोट करिएगा। ये तो रहा फर्स्ट पेज का, अगला आ जाइए सेकंड पेज आपका। हाँ लिया, देख लेना, चेक कर लेना उसको, किसी भी हो, किसका था। द लैंग्वेज विच इज यूज फॉर द पर्पजेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन स्कूल, क्या कह रहा है, लैंग्वेज माने भाषा, विच यूज द पर्पज, स्कूल में पढ़ाने और सीखने का जो उद्देश्य होता है उसका भाषा एक माध्यम होता है। जैसे हम लोग अपनी एक हिंदी भाषा में बोलते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, इंग्लिश मीडियम में बोलते पढ़ाते हैं लोकल भाषा में, लेकिन कौन सी भाषा ज़्यादा समझ में आती है मैटर वही रहता है, लेकिन अगर हम उसको अपने स्थानीय भाषा में समझते हैं तो हमको आसानी समझ, क्योंकि हम उसको बराबर बोल रहे हैं, उसका मीनिंग समझ रहे हैं। अगर उसको हिंदी खड़ी भाषा में बोलते तो भी इंग्लिश मीडियम में अक्सर होता है कि जो उस चीज़ को समझ पाते वही समझ पाते हैं, नहीं तो देखिए हमको हिंदी में क्यों बताना पड़ रहा है सब। अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश हर चीज़ समझ लें, और यही होता है कि हम समझते हुए अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बात को नहीं कह पाते, जबकि हम उस चीज़ को अगर हिंदी में समझा रहे हैं तो हम जान ले रहे हैं कि ये चीज़ लिखा हुआ है, और इसीलिए हम कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन आज एक सिस्टम चल गया है तो अपने लैंग्वेज में किसी चीज़ को समझना सबसे आसान होता है। मीडियम एज इंस्ट्रक्शन, डू यू नो द इंग्लिश इज पॉपुलर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया टूडे, आज भारत में इंग्लिश एक फेमस सिस्टम बन गया है, एक मीडियम बन गया हिंदी से भी ज्यादा।
इज इट नॉट अमेजिंग दैट लैंग्वेज दैट केम फ्रॉम यूरोप, क्या ये अमेजिंग नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है जो यूरोप से आया सम सेंचुरी से गयो, मतलब 100 वर्ष अभी मान लीजिए कुछ 100 साल 150 साल पहले कंटिन्यूज टू बी यूज इवन टूडे, आज लगातार उसका हम यूज कर रहे हैं और हमारा हिंदी जो कि सदियों से है। हेलो क्या हुआ बेटा, मतलब यहाँ पर वही बात हो रही है कि हम कैसे मतलब कितना बदल चुका है अपने लैंग्वेज को, हम पीछे छोड़ दिए हैं और आज हम पश्चिमी लैंग्वेज के साथ साथ नहीं, हम सारा कल्चर ही बदल दिए हैं, वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ वेस्टर्न कल्चर को भी अपना लिए हैं, अपनी हम पहनावा वेशभूषा सब कुछ हम बदल करके आज हम वेस्टर्न पर आ गए हैं और आज वेस्टर्न हमारी चीजों को यूज कर उपयोग कर रहा है, स्टाइल मिला रहा है और हम लोग उनकी नकल कर रहे हैं, जबकि एक समय था हम आगे थे अपने एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन हमने बदल दिया सब, हमारी एजुकेशन सिस्टम को सब लोगों ने चुराया, हमारे ऋषि मुनि कितने आगे थे, कितने मंत्र शोध कितनी चीजों का आविष्कार हुआ था। तो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दिस एंड लुक, इसका कारण हम पढ़ेंगे क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमने बदला एंड लुक एट द न्यू मेथड ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। अब आ जाइए प्री कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया, कॉलोनी ब्रिटिश के आने से पहले सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया बिफोर द कॉलोनी पीरियड वाज ट्रेडिशनल, मतलब परंपरागत, इट वाज बेस्ड ऑन कस्टम एंड प्रैक्टिस दैट हैड प्रिवेल्ड फॉर सेंचुरी, जो कि सदियों से चला रहा था, गुरुकुल व्यवस्था, पाठशाला टूल्स जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन वर इम्पॉर्टेड टू हिंदू स्टूडेंट्स बाय पाठशाला एंड टूल्स, हिंदू लोग पाठशाला में पढ़ते थे, टूल्स जिसको कहा जाता था, रेस्पेक्टिवली लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज संस्कृत एंड एजुकेशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली यंग मैन टू द हायर कास्टस, भाषा मेनली पहले संस्कृत था फिर बाद में अपनी लोकल और हिंदी, और ज़्यादातर जो है यंग मैन और हायर कास्ट के लोग एजुकेशन ले पाते थे, लड़कियां भी जो है एजुकेशन नहीं उनको मिलती थी, लड़कियों को पढ़ने के लिए बैन था, एक तरह से पढ़ने का अधिकार कम था। द सब्जेक्ट टॉट इंक्लूडेड, जो विषय पढ़ाए जाते थे लॉ रिलीजन एस्ट्रोनॉमी लॉजिक एंड लिटरेचर लर्निंग वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा द रूट लर्निंग वाज प्रिफर्ड एंड स्टूडेंट वेयर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मीन्स होता है द सेक्रेट रिलीजियस टेक्स्ट, जो पवित्र धार्मिक बुक होते थे उनको लोग याद करते थे, कंठस्थ करते थे, श्लोक याद किया जाता था, रटा जाता था, एंड अदर टेक्स्ट ऑफ एंशियंट पीरियड, इन द केस ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम के क्षेत्र में मुस्लिम के लिए एजुकेशन व्यवस्था मकतब मदरसा होते थे, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए मकतब और जो प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी मदरसा, हायर एजुकेशन के लिए होता था, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज यूजुअली पर्सियन और अरेबिक, उनकी भाषा पर्सी और अरेबिक उर्दू। अगला है अगेंस्ट इट वाज ट्रेडिशनल नॉलेज दैट वाज मेन किताबें भी नहीं होती थी, नॉट रोल कॉल अटेंडेंस भी नहीं होता था, नॉट इवन स्कूल बिल्डिंग नहीं, लोग पेड़ों की छाया में बैठते थे, ऋषि मुनि के साथ जंगलों में उनके शिष्य लोग पढ़ते थे, गुरुकुल व्यवस्था वाज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल पीपल एंड रन बाय देम, ज्यादातर ये जरूरतें जो होती थी वो लोकल स्थानीय लोगों के द्वारा और स्थानीय गवर्नमेंट के द्वारा,
इसीलिए देखिए आज जो हमारी प्राइमरी व्यवस्था ये परिषदीय एजुकेशन कहा जाता था, जिला परिषद से संचालित होता था और ग्राम शिक्षा समिति होती थी जिसका हेड मुखिया होता था। देयर वाज नो फिक्स्ड फी, कोई फी भी फिक्स नहीं था। एंटायर कम्युनिटी सपोर्टेड द टीचर, पूरा समुदाय के लोग टीचर को मिल करके चंदा और उनकी जरूरतों की चीज पूरा करते थे। ओवरऑल इट सीम्स दैट देयर वाज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिटी बेस्ड एलिमेंट्री एजुकेशन, पैरा कम्युनिटी बेस्ड समुदाय बेस्ड प्राइमरी शिक्षा क्लास इंडिया में कॉलोनियल पीरियड। अब आ जाइए एजुकेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश के दौरान जब कॉलोनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द कॉलोनियल रूल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शोड लिटिल इंटरेस्ट, करा थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया उसने इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल, भारतीय परंपरागत शिक्षा सुधार करने के लिए उसने थोड़ी बहुत जो है अपने इंटरेस्ट को दिखाया। तो सम एजुकेशन हेलो द कलकत्ता मद्रास, यहाँ पर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल, लेड द फाउंडेशन ऑफ मदरसा इन 1781 में। इट्स एम वाज टू टीच मुस्लिम लॉ इन पर्शियन, इसका उद्देश्य था मुस्लिमों को उनके कानून के बारे में पारसी और उर्दू भाषा में पढ़ाना। संस्कृत कॉलेज जोनाथन डक्कन सेट अप अ कॉलेज इन 1791 में बनारस टू स्टडी संस्कृत टेक्स्ट, संस्कृत की नॉलेज के लिए संस्कृत के ज्ञान के लिए उनकी किताबों पढ़ने के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई जोनाथन डक्कन के द्वारा 1791 में। ये सब आप अंडरलाइन करिएगा, हमें ना कहना पड़े, आप अंडरलाइन करते रहिएगा जितने वैसे पॉइंट हैं सब। आंसर में भी मिलेंगे। अगला है द दिल्ली एंग्लो ओरिएंट कॉलेज, कह रहा दिल्ली एंग्लो तो मतलब इसमें हमारे ओरिएंटल और एंग्लो दोनों, मतलब परंपरागत भारतीय परंपरागत और इंग्लिश मिक्सिंग जिसको DAB कहा जा सकता है, डेंगलो DAO वैसे कहा गया, वाज सेट अप इन 1792 में। एक पेज और आप लोग देखिए, तो इसमें है आपका द फोर्ट विलियम कॉलेज वाज सेट अप इन 1801, अंडरलाइन करिएगा इसको भी, 1801 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज जो है स्थापित किया गया। कंपनी ऑफिशियल अबाउट इंडियन कल्चर हिस्ट्री एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ लागो Among people in England, English, yeah, England and the official of the EIC, different opinion, अलग अलग विचार थे इंग्लैंड के लोगों के बीच में और EIC के कर्मचारियों के बीच में। Western education of Indian by long into the following three strand. Number one, first group thought that Western education, Western civilization was फार सुपीरियर टू इंडियन सिविलाइजेशन। एक ग्रुप था जो कि भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी एजुकेशन को भारतीय सभ्यता से सुपीरियर मानता था, इसलिए वो एजुकेशन सिस्टम में सुधार चाहता था भारतीय परंपरा के अनुसार, वो वेस्टर्न एजुकेशन बनाना चाहता था। दूसरा, सेकेंड ग्रुप सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन ऑन द ग्राउंड दैट This would enable Indians to play an important role in the country's administration. एक ग्रुप था जो भारतीय शिक्षा में इम्प्रूवमेंट इसलिए चाहता था वेस्टर्न एजुकेशन लाना, जिससे लोग अंग्रेजी पढ़कर निकलेंगे और वो हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में, कामकाज में हमारी मदद करेंगे।
तो जो लोकल अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, क्लर्क लेवल, उनको भारतीय मिल जाएंगे, सस्ते पर मिल जाएंगे और हमारी बात को समझ के आसानी से काम करेंगे। अगला है आपका थर्ड ग्रुप कंपोज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी। तीसरा जो है ईसाई मिशनरियाँ थी जो अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए आई थी, तो ये भी जो है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। हटा दो तमाम स्कूल जो अब आ जाइए ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट। ड्यूरिंग द फर्स्ट 60 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सम ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड स्कॉलर्स इनिशिएटेड द प्रैक्टिस ऑफ स्टडीइंग इंडियन लिटरेचर। कोई क्लास तो नहीं शुरू होने वाली है आपकी? हाँ? तो देखिए कह रहा है 60 साल के दशक में ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश का रूल हुआ 1857 के बाद से, तो तरह तरह से ब्रिटिश ऑफिसर एक तरह से दो ग्रुप में, उनका दो मतों में बट गए थे, दो विचार थे। एक तो था जैसे पीपल ऑफ इंडिया सम ऑफ देम कमेंट्रीज ऑन विच रिच लिटरेरी आउटपुट ऑफ एंशिएंट इंडिया, सम ऑफ देम एक्सपोनेंट ऑफ दिस ट्रेंड वर। नंबर एक सुप्रीम कोर्ट जज एंड लिंग्विस्ट सर विलियम जॉन्स, अंडरलाइन करिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे और लिंग्विस्ट मतलब भाषा भी इनको कहते हैं, सर विलियम जॉन्स हु पायनियर्ड दिस ट्रेंड, जो इस ट्रेंड के तरह से मेन थे। पायनियर का मतलब होता है कि सबसे पहले व्यक्ति जो उस चीज़ को करने वाले। सेटअप अ एशियाटिक सोसाइटी इन 1784 इन कलकत्ता, उन्होंने कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। द नेम ऑफ द सोसाइटी अंडरवेंट मेनी चेंजेस फ्रॉम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1832 से 1935, फिर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उसी का नाम बदल बदल कर देखिए समय समय पर बदला जा रहा है, 1936 से 1951 एंड इन जुलाई 1952 इट केम टू बी नोन एज एशियाटिक सोसाइटी। पुनः ही आल्सो स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स, एक पत्रिका की शुरुआत किया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चर्स। सर विलियम जोन्स यहाँ दिया गया है, एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता। एच टी द कोलेब्रोक, इनका नाम है ये एच टी कोलेब्रोक, हु रोट ऑन द वेदाज एंड कंपाइल्ड अ बुक ऑन संस्कृत ग्रामर, इन्होंने वेदों पर लिखा और कंपाइल्ड अ बुक, एक बुक के एक संग्रह बनाया संस्कृत ग्रामर पर, संस्कृत व्याकरण पर। अगला है द नैथियल हैलहेड हु ट्रांसलेटेड द मनुस्मृति एट द कोड ऑफ हिंदू लॉ, इन्होंने मनुस्मृति जो लिखी गई थी संस्कृत में उसको ट्रांसलेट करके जो कोड ऑफ हिंदू लॉ एक तरह से जिसमें हिंदू कानून के बारे में लिखा था उसको अनुवाद किया अंग्रेजी में। द स्कॉलर हु ट्राइड टू प्रमोट ओरिएंटल लैंग्वेज कल्चर एंड टेस्ट, ऐसे विद्वान जो ओरिएंटल लैंग्वेज मतलब जो हमारी मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहते थे, जिसमें चाहते थे लिखी जाए, रिसर्च हो, कलेक्टिव नॉन एज ओरिएंटलिस्ट कहलाए वो लोग। और दूसरे लोग ओरिएंटलिस्ट आल्सो एनकरेज एजुकेशन बेस्ड ऑन लर्निंग ऑफ इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं में, एंड फेल्ट दैट गवर्नमेंट शुड बी सिंपैथिक टुवर्ड द लोकल, और वो भी फेल करते थे, फील करते थे सरकार जो है सहानुभूति दिखाए
क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति एजुकेशन सिस्टम में। इन 1813 द चार्टर एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा चार्टर एक्ट पास हुआ। इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को अनुमति दी भारत में शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्रिश्चियन का प्रचार प्रसार करने आए और एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया। द एक्ट डायरेक्टेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सो सेट असाइड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर द रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्न नेटिव एंड फॉर द इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द साइंस। मतलब इन सब चीज़ों के लिए, साइंस के प्रमोशन के लिए या अदर चीज़ों के लिए उन लोगों ने सालीना जो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए का फंड बना के शिक्षा के क्षेत्र में करने के लिए हुआ कि 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा शिक्षा के तमाम पहलुओं के विस्तार के लिए। बाय द अर्ली 19th century अनदर ग्रुप ऑफ ऑफिशियल बिगेन टू आर्ग्यू, बहस करना शुरू किया, डिस्कस करना एक दूसरा ग्रुप जो था। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द ब्रिटिश टू ब्रिंग गुड, उनके अनुसार ये ब्रिटिश की कर्तव्य है, ब्रिटिश की जिम्मेदारी है कि भारत में गुड गवर्नेंस हो, अच्छी सरकार, अच्छे कार हो। दे स्ट्रांगली सपोर्टेड टू यूज ऑफ इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश मीडियम के बढ़ावा के लिए उसका सपोर्ट किया। इंस्ट्रक्शन एंड वेस्टर्न रैशनल सर्कुलर्स एज द बेसिस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, मतलब पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे लोग जो थे वो एंग्लिसिस्ट कहलाए। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। द ग्रुप इंक्लूडेड पीपल सच एज जेम्स मिल, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी थी, हु प्रोपोगेटेड द व्यू दैट एजुकेशन वाज एसेंशियली बीइंग टू इंपॉर्टेंट। फिलहाल आज आपकी क्लास